बड़े भाई की मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर, नवाज शरीफ छोटे भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात करने नैब ऑफिस पहुंच गए। अहलिया नुसरत शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद भी मुलाकात में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के लिए रात के खाने में दाल, भिंडी, चावल और बर्गर साथ लाए गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राहिल सैयद। राहिल, कब पहुंचे नवाज शरीफ यहाँ पर? हाँ नूर, अब से कुछ देर कबल जो है शरीफ फैमिली जो है शहबाज शरीफ से मुलाकात करने नैब ऑफिस पहुंची थी। जायका कहना यह है कि चेयरमैन नैब जस्टिस शायद जावेद इकबाल को दरख्वास्त की गई थी कि शरीफ फैमिली जो है शहबाज शरीफ से मिलना चाहती है, तहम मंजूरी के बाद अब से कुछ देर कबल जो है शरीफ फैमिली जिसमें नवाज शरीफ है, हमजा शहबाज हैं, सलमान शहबाज हैं और शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज हैं, वो शामिल हैं, वो नैब ऑफिस पहुंचे हैं। मुलाकात का सिलसिला जारी है। जायका कहना यह है कि शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान उन्होंने रात का खाना भी पेश किया गया और खानदान के दीगर अफराद ने भी उनके साथ खाना खाया। खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया था रात के खाने का, क्योंकि आमतौर पर शहबाज शरीफ सुबह का नाश्ता और दोपहर का कम खाना खाते हैं, लेकिन रात के खाने में उनके लिए खुसूसी तौर पर भिंडी है, दाल, चावल, उसके अलावा उनका घर का सादा बर्गर बना हुआ है, रायता के साथ जो है शामी का वो सीख कबाब भी उनके लिए लाए गए हैं। जायका कहना यह है कि अभी जो मुलाकात का सिलसिला जारी है और नवाज शरीफ की जानेब से शहबाज शरीफ को दिलासा दिया गया है कि उनका जो केस है वो कानूनी तौर पर भरपूर तरीके से भी लड़ा जाएगा, वो किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। इस हवाले से ये भी कहना है कि जिम्मी इलेक्शन के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी मशावरत होगी, तहम अभी मुलाकात का सिलसिला जारी है और देखते ही है कि मुलाकात कितनी देर तक जारी रहती है और इसके बाद कल जो है बाकायदा तहकीकात का आगाज भी नैब उनसे करेगी शहबाज शरीफ से, क्योंकि जो केस है वो तैयार कर लिया गया है, कुछ सवाल भी तैयार कर लिए गए हैं नैब की तहकीकाती टीम के जानिब से जो कल शहबाज शरीफ से किए भी जाएंगे। जी ठीक है, राहिल सईद हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। ज़ेब शाहज़ाद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहज़ाद, ये बताइएगा नैब दफ्तर के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी कैसी है? बिल्कुल, जैसा कि चंद रोज़ कबल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार किया था, इसी हवाले से अभी भी शरीफ फैमिली की जो मुलाकात है शहबाज शरीफ के साथ वो जारी है। और नैब के दफ्तर के बाहर अगर सिक्योरिटी के लिहाज से बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ARF एंटी राइट फोर्स जो कि स्पेसिफिक पुलिस की वो नफरी होती है जो कि किसी भी दंगे फसाद से बचने के लिए यहाँ जलसे जुलूस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करने के लिए बनाई जाती है, उस नफरी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, जिसके पास जो है वो प्रॉपर तरीके से उनके इक्विपमेंट्स भी हैं और इसके साथ साथ पुलिस की यहाँ पे मोबाइल गाड़ियाँ जो होती हैं वो भी यहाँ पे साथ में नैब के ऑफिस के बाहर जो है वो मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की मुलाकात के अंदर जो है वो नवाज शरीफ के साथ साथ शरीफ फैमिली के अंदर जो शामिल मियाँ हमजा शहबाज हैं और उनके भाई और शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत बीबी भी इस मुलाकात के अंदर शामिल है। मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 8 बजे के करीब जो है वो ये मुलाकात जो है वो शुरू हुई थी और अभी भी मुलाकात जो है वो जारी है, अभी कुछ देर बाद जो है वो ये मुलाकात ख़त्म कर दी जाएगी। इसी हवाले से पुलिस की जानिब से भी यहाँ पे जो नफरी है वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है और साथ साथ ज़राए का ये भी कहना था कि जो शहबाज शरीफ के लिए खाना लेकर आया गया है उसके अंदर जो है वो भिंडी है, दाल चावल है और इसके साथ साथ रोटी के साथ जो उनके घर का बर्गर है जो वो शौक से खाते हैं वो भी उसके अंदर शामिल है। और इसके साथ साथ जो है वो नवाज शरीफ की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ को यह भी दिलासा दिया जा रहा है कि इनकी मुलाकात के अंदर जो है वो अगला लाहे अमल क्या होगा, इस हवाले से इनकी जो बातचीत है वो हो रही है और इसके साथ साथ उनकी तरफ से दिलासा भी दिया जा रहा है कि इनका केस जो है वो कानूनी तौर पे जो है वो मजबूत तरीके से लड़ा जाएगा। जी, मुशावरत भी जारी है कि केस को आगे किस तरह लेकर जाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब शहज़ाद और राहिल सैयद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।